बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर की दूसरी एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जिसमें सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। फाइंड द मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग, ये इसका पहला क्वेश्चन है कि हमने इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालना है। अब इसका अगर आप क्वेश्चन देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है 3z = 3 + 2 iota, और वो क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड मॉडुलस। अब इसका मैग्नीट्यूड या मॉडुलस का तरीकाकार ये है कि ये शो करती है, दो लाइनें हमारे पास ये मैग्नीट्यूड या मॉडुलस को शो करती हैं। अब इसका है, पहली रकम का मुरब्बा ले लें आप और दूसरा योटा वाले अधिसर का भी मुरब्बा ले लें। ये हमारे पास आ गया 3 का मुरब्बा 9 और ये 2 का मुरब्बा 4, ये हमारे पास आ गया √13। ये तरीकाकार है हमारे पास मॉडुलस और मैग्नीट्यूड का। इसके बाद अगर एक और इसका कोई क्वेश्चन देखें हम, तो ये हमारे पास 5 iota दिया हुआ है, ये इसका पहला क्वेश्चन था। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है सिर्फ z = 0 + 5 iota। z का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 0 का मुरब्बा + 5 0 का मुरब्बा। ये हमारे पास हो गया 25 और यह जज़र से बाहर आया तो 5। ये मॉडुलस निकालने का तरीकाकार है हमारे पास। इसके बाद इसी एक्सरसाइज के आप अगर दूसरे क्वेश्चनों पर देखें तो हमने पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म निकालनी है। दो नाम है इसके, एक हमारे पास है पोलर फॉर्म और दूसरा इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब ये हमारे पास इसका फार्मूला है z = r cos theta + iota sin theta। ये है हमारे पास फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक और पोलर फॉर्म का। r हमारे पास शो करेगा z का मैग्नीट्यूड और थीटा हमारे पास शो करेगा tan इनवर्स y/x। ये हमारे पास इसका तारुफ था पोलर फॉर्म एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म का। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट है एक्सरसाइज का 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब क्वेश्चन है हमारे पास दो, पहला पार्ट है इसका 2 + 2 √3 iota। ये है हमारे पास क्वेश्चन, और अगर हम इसका फार्मूला देखें पोलर फॉर्म में तो ये है हमारे पास z = r cos theta + iota sin theta। ये है हमारे पास पोलर फॉर्म का तरीकाकार। अब r का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, r की कीमत बराबर है z = 2 √3 iota। ये आ गया 2 का मुरब्बा 4 और ये हमारे पास 4 और ये हमारे पास 3 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास आ गया 4 + 12 √16 और ये हमारे पास आ गया 4। अब हमारे पास एंगल निकालने का तरीका क्या रह गया है, थीटा जो है फार्मूला है tan इनवर्स y/x।
अब हमारे पास टैन इनवर्स y की कीमत हमारे पास है 2/√3 और ये x की कीमत 2, ये इससे कट गया। ये हमारे पास टैन इनवर्स √3, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया। टैन ये हमारे पास 60 डिग्री थीटा की कीमत आ गई। अब इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये हमारे पास 4 cos 60° जमा योटा sin 60° ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये थी हमारे पास पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। इसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, तीसरा पार्ट देखें हम इसका। तो तीसरे में देखें, उसने क्वेश्चन दिया राइट ईच कम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म। अब हम उसने हमें पोलर फॉर्म में दिया हुआ है, राइट ईच कम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म a प्लस योटा बी। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया चार, कहता राइट इसी इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 cos 225° प्लस योटा sin 225°। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CIS और ये 225° इजिकल। ये हमारे पास इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लें, योटा की फॉर्म में लिख लें, जैसे मर्जी लिख लें। अब ये हमारे पास अगर हम टेबल पे या कैलकुलेटर पर वैल्यू देखें तो हमारे पास कॉस 225 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/√2 माइनस, और साइन 225° की वैल्यू आएगी हमारे पास -1/√3। अब हमने इसको इस फॉर्म में पुट, आर ये जो जेड दिया हुआ है, आर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 4। अब हमने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ये हमारे पास ए की कीमत और ये हमारे पास बी की कीमत, ये हमारे पास आ गए। अब हम इसको क्वेश्चन में वैल्यू में पुट कर देते हैं, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, 4 cos 225° जमा योटा sin 225° ये आ गया 4 225 -1/√2 जमा योटा -1/√3। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अगर मज़ीद इसे चलाएं तो ये -1/√2 -1/√3 योटा, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये था हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, जिसको हमने पहले हमने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, अब पोलर फॉर्म से हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। एंड जेड, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें हमारे पास, फाइंड जेड सच डैट, जबकि हमने अब कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालनी है, जबकि हमारे पास आर की कीमत दी हो और आर्गोमेंट ऑफ जेड, फाइंड जेड, जेड की कीमत हमने निकालनी है सच डैट जेड इज इक्वल टू, जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8/√2 और हमारे पास आर्गोमेंट ऑफ जेड है, आर्गोमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4। अब π/4, अब हमारे पास आर हो गया जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 8/√2, थीटा हो गया आर्गोमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू π/4, थीटा हो गया π/4।
अब हमने इसको फार्मूले में पुट करना है, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एटा साइन थीटा। आर में हमने वैल्यू पुट की 8 अंडर रूट 2 कॉस पाई बाई 4 जमा एटा साइन पाई बाई 4। अब ये हमारे पास कॉस पाई बाई 4 की कीमत आ गई, कॉस पाई बाई 4 को अगर हम 180 बटा 4 कर लें और एटा साइन 180 बटा 4 लिख लें तो ये हमारे पास कट के 45 और ये भी हमारे पास कट के 45। 8 अंडर रूट 2 कॉस 45 जमा एटा साइन 45। ये 8 अंडर रूट 2 कॉस 45 की कीमत 1 बटा अंडर रूट 2 जमा एटा और साइन 45 की भी 1 बटा अंडर रूट 2। अब 8 अंडर रूट 2 1 बटा 2 हमने इसे कॉमन ले लिया, यहाँ पर 1 जमा एटा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया 8, 1 प्लस एटा 8 एकम 8 और ये 8 एटा, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। आज के जो टॉपिक थे ये हमने पोलर फॉर्म से और पोलर फॉर्म से कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म से हल किए। इसमें ये हमारे पास इसको क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर को ये हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसने हमें पोलर फॉर्म दी, हमने उसको कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया, फिर उसने हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड और जेड का मैग्नीट्यूड दिया, उसे हमने सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट किया। ये हमारी आज की एक्सरसाइज कम्प्लेक्स नंबर की 8.2 ख़त्म हो गई। नेक्स्ट टाइम हम इसको आगे मज़ीद चलाएँगे 8.3 एक्सरसाइज कम्प्लेक्स नंबर की।